So guys, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivo के Y100 डिवाइस के अंदर आप जो है अल्ट्रा गेम मोड सेटिंग का यूज कैसे कर सकते हैं। अल्ट्रा गेम मोड एक कह सकते हो बहुत ही एक्सपेंसिव ऑप्शन है, एक्सपेंसिव मीन्स की कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जिसमें आपको क्या होगा कि आपकी जो कोई भी गेम वगैरह प्ले कर रहे हो उसके अंदर आपकी नोटिफिकेशन वगैरह को ब्लॉक करता है, इवन गाइस डू नॉट डिस्टर्ब की तरह ही काम करता है। तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो उस गेम मोड के अंदर, तो अभी हम डेमो करेंगे, इसके बाद ही समझ आएगा कि गेम मोड के अंदर में क्या क्या चीजें मिलने वाली है। गाइस अल्ट्रा गेम मोड को इनेबल करने के लिए सबसे पहले तो ओपन करेंगे हम अपना फोन सेटिंग। सेटिंग्स हमारी यहाँ पर है, एक बार इसको क्लिक करिए। इसका बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स के अंदर ही शॉर्टकट होता है, जिसमें आप देखेंगे तो इस तरह से स्क्रॉल करके आइए तो इसमें ही नीचे मिल जाता है अल्ट्रा गेम मोड। ये अल्ट्रा गेम मोड एक तरीके से गेम मोड के लिए ही है, गेम ऐप पे ही काम करता है, ऐसा मत सोचना कि किसी भी एप्लीकेशन पे रन कर सकते हो। तो इसके लिए हम ओपन करेंगे इसको, पहले तो यहाँ पर टर्न ऑन करना होगा, ऑन करिए। गेम साइड बार है, अगर ये ऑफ है तो आप ऑन कर लीजिए, मैं आगे दिखाऊंगा क्या होता है, जिसमें स्कैन मोड भी आता है, इसमें ई स्पोर्ट मोड है, गेम प्ले करते समय इसमें ऑप्टिमाइज कंट्रोल, ऑप्टिमाइज डिस्प्ले एंड टेम्परेचर्स वगैरह, फ्रेम रेट वगैरह देख सकते हैं। तो इसमें अभी शॉर्टकट इसका दिखा दूंगा कहाँ यूज होता है। ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले का भी एक शॉर्टकट होता है, इसका भी एक शॉर्टकट है, वो भी हम देखने को मिलेगा हमें अपने गेम मोड के अंदर देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर ईगल आई एनहेंसमेंट है, इसका भी एक कंट्रोल सेंटर मिलता है, इसमें लोकल टोन पे एपिक कलर एनहेंसमेंट जैसी चीजें आप इसके साथ कर सकते हैं। तो अभी मैं गेम को जब ओपन करूंगा तो इसके सारे डिटेल आपको दिखाऊंगा वहां पर। यहाँ पर 4D वाइब्रेशन का ऑप्शन है, वाइब्रेट करना चाहते हो तो आप इसको भी कर सकते हो। और यहाँ पर क्वालिटी ऑफ इफेक्ट है, जिसमें ईयरफोन अगर आप यूज करो तो इसमें 2-3 साउंड इफेक्ट है, तो उस चीजें कर सकते हो। फिलहाल हम हेडफोन का यूज नहीं कर रहे तो वैसे छोड़ देते हैं उसको। बाकी आएंगे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर ब्लॉक नोटिफिकेशन, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो नोटिफिकेशन ब्लॉक हो जाती है। और यहाँ पर वन एनेबल नोटिफिकेशन फ्लोटिंग विंडो विल बी यहाँ पर विल नॉट डिसेबल एट द टॉप ड्यूरिंग डिस्प्ले या गेम प्ले। जब आप गेम कर रहे हो, गेम कोई प्ले कर रहे हो, तो आपको ये जो ब्लॉक नोटिफिकेशन का फीचर ऑन कर देंगे तो आपको यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के अंदर ही आएंगे, लेकिन वो म्यूट में रहेगी। बाद में आपको पता चलेगा कि कोई लाइक कोई किसी की कॉल आई थी, उस कॉल को म्यूट कर सकते हो। यहाँ से जितनी भी कॉल है सारी कॉल म्यूट रहेगी, अगर आप इसको ऑन करके उसको ऑन कर देंगे ब्लॉक वाले को, नोटिफिकेशन ही ब्लॉक होगा, ध्यान देना, कॉल ब्लॉक नहीं होगी, नोटिफिकेशन ही ब्लॉक होगा, बाद में वो दिखाई देगा। अब यहाँ पर ये सारी चीजें करने के बाद यहाँ पर हम सीधा डायरेक्टली डेमो करके देखते हैं, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस का हम यूज समझ नहीं पाएंगे। तो अब यहां पर हमारे पास मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा कुछ गेम, अब गेम ऐड करना काफी आसान है। प्लस साइन पे क्लिक करें, किसी भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पर गेम को ही ऐड करें, जरूरी नहीं, मतलब एग्जांपल के लिए मैंने काफी चीजें इंस्टाग्राम भी इसके अंदर ऐड करके रखा था, तो उसको बंद कर देता हूं। अब मैंने यहाँ पर कैंडी क्रश वाले जो गेम है इसको ऐड करके रखा है, मैं इसको ओपन करूंगा एज एग्जांपल। एक बार मैंने इसको ओपन कर दिया, अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो ये अल्ट्रा गेम मोड है ये इनेबल हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, देखो एक्टिवेट हो रहा है अल्ट्रा गेम मोड। अब मेरे पास एक गेम साइड बार का जो फीचर था मैंने इनेबल कराया था, यहाँ कॉर्नर में देखो ये फीचर है, इसके अंदर आप देखो टोटल सेटिंग्स मिल जाएगी जो मैंने आपको पहले बताई थी। एंड गाइस यहाँ पर देखेंगे तो ब्लॉक नोटिफिकेशन भी मिलता है, व्यू एनहांसमेंट का ऑप्शन है, ब्राइटनेस लॉक मिल जाता है, आप ब्राइटनेस को लॉक कर सकते हो जिससे कम ज्यादा ना हो, आप अच्छे से गेम प्ले कर सके। और ऑफ स्क्रीन गेम प्ले का ऑप्शन भी है, ऑटो प्ले जो होता है अगर आप इसको कर देते हैं तो ये गेम प्ले होगा, यहाँ पर देख सकते हो टोटल चीजें चलती रहेंगी, अंदर रन करता रहेगा गेम प्ले से। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं इसके साथ, इवन गाइस बहुत सारे ये गेम प्ले के ही समय ये सब चीजें दिखाई देता है, तो आप ये चीजें कर सकते हैं अपने फोन में। तो ये ऑप्शन मुझे पर्सनली तो बढ़िया लगा, आप अगर चाहें तो इसका ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। व्हाट्सएप के पिक्चर एंड पिक्चर्स का यूज कर सकते हैं, कोई मैसेज वगैरह आ रहा है तो वहीं पर देख सकते हैं, यू नो फ्लोटिंग विंडो की तरह। और यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत चीजें मिलती हैं। गाइस एक बार ट्राई करना, ये अल्ट्रा गेम मोड डेफिनेटली पावरफुल एक ऑप्शन है, तो आप इसको यूज करके अपने गेम में एक नई जान डाल सकते हैं। अगर कोई डिस्टर्बिंग हो रहा है ब्लॉक कर सकते हैं नोटिफिकेशन को, और ब्राइटनेस को लॉक कर सकते हैं, कलर इंटरमेंसर में लोकल मैपिंग टून जैसे बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं। सो आई होप गाइस समझोगे अल्ट्रा गेम मोड क्या है, कैसे इसे इस्तेमाल करना है। फिर भी कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग, कॉमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।